कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन मनोज पांडे के जन्मदिवस पर राजधानी लखनऊ में मनोज पांडे चौराहे पर लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने उनकी प्रतिमा के पास सैकड़ों दिए भी जलाए। इस अवसर पर मनोज पांडे के माता पिता भाई समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने उनके परिवार से बातचीत की। प्राण देकर भारत माता की विजय की शहीद कैप्टन मनोज पांडे के आज देश की आन, देश की शान, देश का मान तिरंगा लिए तो मनोज पांडे चौराहे पर पहुंचे। शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जयंती, उनके परिजन वहां पर पहुंचे और दीप जलाकर जो अपने भावनाएं थीं वो कहीं ना कहीं व्यक्त की। 24 साल की उम्र में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने वाले कैप्टन मनोज पांडे का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे हर साल मनोज पांडे चौराहे पे दीप जलाया जाता है, तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। आज भी उनका जन्मदिन है, आज भी उनके सदस्य मौजूद हैं परिवार के। हम बात करेंगे उनके पिताजी से। आज उनका जन्मदिन है, एक प्रेरणा होती है लोगों के लिए कैप्टन मनोज पांडे। आपको क्या लगता है समाज के लिए एक कोई संदेश दें? मनोज पांडे की जयंती के ऊपर हम समाज को यही संदेश देंगे कि देश से बढ़कर समाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सर्वप्रथम देश है, देश के बाद समाज है और समाज से ही पूरा कुनबा जुड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो अपने घर से हो, पूर्ण रूप से सुरक्षा होनी चाहिए। आप बड़े भाई हैं, आप सेना के लिए कोई अपील दें? जी, सेना तो अपना काम कर रही है बॉर्डर पे और बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो खाली कैप्टन मनोज पांडे के माध्यम से लोगों को ये इंस्पिरेशन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं कि वो इनसे सीखें और जो ऐसे अपने सेनानी हैं, सेना के जो लोग हैं उनसे सीखें और देश में जहाँ भी हैं कुछ देश के लिए करें। यही मैसेज है समाज के लिए उनकी जयंती पर। अब से कुछ साल पहले देखा जाता था कि बॉर्डर पे ही तनाव होता था, लेकिन अब देखा जाता है कश्मीर के अंदर तनाव है। धारा 370 को लेकर एक बहस छिड़ चुकी है, तो आपको क्या लगता है धारा 370 में कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए केंद्र सरकार? देखिए, कश्मीर के अंदर जो देश विरोधी तत्व हैं वो बवाल वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि सेना अपना काम वहाँ बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। हम सब सेना के साथ में। कुल मिलाकर शहीद कैप्टन मनोज पांडे का जन्मदिन मनाया गया। इस दिन लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई कि जो सेना में है, जो समाज में है, वो देश के लिए समर्पित है। जिस तरीके से कैप्टन मनोज पांडे समर्पित रहे और देश के लिए कुर्बान हुए। लखनऊ।